5'10" अगर बाइसेक्ट हो, 5'10" या फिर ऑन द डाउन साइड जो हमारा 10:55 का स्विंग लो है 22,341 या फिर 22,300 हम तोड़े, तब दिमाग लगाना है हमें शार्प स्विंग को खेलने के लिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा ट्रेड। अब सेकेंड हाफ अभी तक एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के यानी ऑप्शन राइटर्स के फेवर में जा रहा है, तो दिमाग कब लगाना है, या तो 5-10 बाइसेक्ट हो जाए तब एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग काफी आएगा। निफ्टी पर इंडिसेस पर FIs के 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे हैं, वो कल कितने कैरी करके ले जाएंगे मई सीरीज के लिए हमें देखना पड़ेगा। सो थ्रेश होल्ड पॉइंट ऑन द हायर साइड विल बी 22510। नाउ निफ्टी बैंक पे आइए, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे इट्स 48149। मैंने सुबह एक क्लियरली बात कही थी कि कुछ फियर्स को हम एग्जैक्टली कुछ डर को जो होते हैं ना हम प्राइस पे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोटेक 5% नीचे खुलेगा, 10% खुलेगा या 15% खुलेगा हम नहीं कह सकते, हम बस इतना रीड कर सकते हैं कि भाई मेरे पिवट पॉइंट्स क्या हैं। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा, बेस वन था निफ्टी बैंक का, दैट्स 48020 एंड 47910। क्या था ये पुट राइटर्स थे प्लस 10 डिमा, लेकिन सेकेंड बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था 20 डिमा 47777 एंड 47530। ये जो बेस टू था ये था ऑप्शन राइटर्स प्लस 20 डे एक्सपेंशन में, हमें इस पे आज ट्रस्ट करना था क्योंकि आज हमारे पास कोटेक बैंक का प्रेशर था। और देखिए निफ्टी बैंक किस ट्रेजेक्ट्री में खुला, निफ्टी बैंक का लो क्या था, अगर आप प्रैक्टिकल लो देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स 47900 और वहीं से रिकवर हो गया। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, एक गैप परसिस्ट करता है बिटवीन RS1, वो क्या था 266 48379, इसके बीच में एक गैप परसिस्ट करता है, गैप पे जाके फर्स्ट इंस्टेंस पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वही गैप अब तक क्रॉस नहीं हो पाया है। और याद रखिएगा जब तक 379 पार नहीं होगा 533 की कल्पना हमें नहीं करनी है, वहां पे गैप परसिस्ट करता है, गैप जो होता है ना वो कॉल राइटर्स को इन्वाइट करता है, याद रखिएगा। तो बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड अच्छा मिल चुका है यकीन मानिए, अब हमें जिस चीज से फोकस करना है वो है थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, या तो वो लेवल बाइसेक्ट हो या फिर ना हो। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन राइटर्स आएंगे, जरा देखते हैं एक बार ये ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। 6 स्ट्राइक्स आएंगी जिसको मैं यहाँ पे डिस्कशन में इंक्लूड करूँगा। सुबह का ट्रेड अच्छा रहा, अब याद रखिएगा आइदर 48379 बाइसेक्ट हो जाए तब हमें जोर देना है, क्योंकि अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 500 पे 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है और नीचे अगर आप देखें 48100 पे 48000 पे करीब 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, तो या तो 48000 फिर टूटे या फिर 48500 बाइसेक्ट हो तब जाके अब हमें दिमाग लगाना है। बट मोर आई थिंक जिसे कहते हैं ना एज पे ट्रेडिंग जो सक्सेसफुल होगी वो निफ्टी पे होगी रादर देन निफ्टी बैंक। प्रशांत गुड आफ्टरनून, प्रशांत इंडेक्स पे बखूबी अगर आप देखेंगे सुबह ट्रेड मिला, इस वक्त अपने आप को आप किसी इंडेक्स के ट्रेड में इंडल्ज करना चाहेंगे, इंडेक्स पे आपका व्यू? जी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार, बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, मुझे लग रहा है कि जो सुबह ट्रेड मिला है बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लेवल से मिला हुआ है, अब वो जो सुबह पैसा मिला हुआ है उसको गंवाना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए, अगर आफ्टरनून में ट्रेड मिले ठीक है, नहीं मिले तो मुझे लग रहा है कि सुबह की जो मूव है वो काफी अच्छी थी, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं करीबन 22300 से लेके 22450, वो पूरी रेंज कवर हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अब ना ही शॉर्ट ना ही लॉन्ग, बट ओवरऑल अगर लेवल्स की बात करें निफ्टी में पोजिशनली तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल लेवल जो होगा अहम वो होगा 22180 22180, जब तक ये बरकरार है बाइंग ऑन डिप्स की जो थीम है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 22285 22285 स्पॉट ये एक बड़ा सपोर्ट है, यानी 22300 के जस्ट नीचे आज के लो के नीचे, तो ये इंटैक्ट रहना काफी जरूरी होगा अगले कुछ दिनों के लिए। और जहां तक रेजिस्टेंस की बात है क्लियर कट आज हमें दिख रहा है कि 22500 से लेके 525 का जोन है वो बड़ा रेजिस्टेंस है, तो अब वो ज्यादा नजर नहीं आ रही है, इसलिए आज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो प्रॉफिट बने होंगे सुबह उन्हें प्रोटेक्ट करना काफी एक बेहतर रणनीति होगी। आफ्टरनून में अगर कोई ट्रेड मिले भी तो सिर्फ प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करके ट्रेड करना चाहिए, पूरा प्रॉफिट रिस्क नहीं करना चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है यहाँ पे बहुत क्लियरली 47700 47700 स्पॉट एक मेक और ब्रेक लेवल है, एक अहम सपोर्ट है, ये इंटैक्ट रहना क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी है। और अगर हम अभी करंट लेवल के जस्ट एक करीबन 200 पॉइंट यानी 48350 48350 क्रॉस कर जाए
स्ट्रेट 500 से 600 पॉइंट हमें मिल सकते हैं और हम 48,800 48,900 तक जा सकते हैं। तो मोमेंटम के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट 48,350 48,350 के ऊपर क्रॉस होना बहुत जरूरी है। परसिस्ट करता है 48,350, उसका पार होना बहुत जरूरी है। अब प्रशांत आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक मैंडेट ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आपके तीन कन्विक्शन एरियाज इस वक्त के प्रशांत? तो वीरू जी, अगर हम देखें आज जो कोटक में वीकनेस आई थी वो कभी जो निभाई, जो एक स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी को दी सबसे पहले वो थी SBI ने, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 775 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम 805 से लेके 810 के टारगेट कंफर्टेबली देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिर से 810 तक के जोन दिखा सकता है। नेक्स्ट पिक होगी MNM। यहाँ पे एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा कूल डाउन इफेक्ट आया था, कूलिंग इफेक्ट, अब एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है। तो यहाँ हम करीबन 2055 2055 2050 के बीच में स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 2100 से लेके 2110 तक का आना चाहिए। और ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है, और नेक्स्ट पिक जो होगी वो डेफिनेटली मेरी पेट्रोनेट होगी। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आके स्टॉक 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ 294 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम 325 से लेके 330 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो SBI, MNM और पेट्रोनेट, ये तीन मेरे पिक्स होंगे। SBI, MNM और पेट्रोनेट। और आज यकीन मानिए जब बाजार खुला, फर्स्ट चीज, पहली चीज जो मैंने मार्क की थी वो था निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में जब कोटक महिंद्रा बैंक प्रेशर जनरेट कर रहा था, फर्स्ट इंस्टेंस में जब हम एक्सिस बैंक के एक स्ट्रॉन्ग मूव को देख रहे थे, मतलब वो एक का बेनिफिट, एक का डाउट जो था, एक का पेन जो था, एक का गेन था, वो चीज़ों को आई थिंक उतना क्लियर नहीं रख रहा था। बट एक क्लियर मैसेज निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने दिया था। और हम SBI पे कल से बातचीत कर रहे हैं, और आज भी मैं आई थिंक से मार्क कर रहा था, इट्स PSU बैंक्स आई थिंक जो अच्छा मूव दे रहे हैं। 786, याद रखिएगा PSU बैंक्स में SBI लीड जो करता है वो 792 इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट अप्रोच करता हुआ, और आई थिंक 20 जनवरी से लेकर अभी तक के टाइम फ्रेम पे एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे कुछ दिनों बाद इसकी अर्निंग्स सेटअप इंटरेस्टिंग है SBI का। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। इंडेसीज अगर आप निफ्टी को देखें तो ये मोर और लेस वहीं उसी रेंज में है, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, उसी रेंज में है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया ज़्यादा अच्छे हैं। आज का सस्ता ऑप्शन मई के सीरीज में क्या करना है ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद।